अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। हैप्पी उगादी, मतलब कर्नाटका का आज उगादी की ईद है, आज फेस्टिवल है। आप सब करने वाले ही उनको, हमारे आदमी हम तो नहीं करते, वोबट तो हर आदमी खाता है। हिंदी में पूरन पूरी बोलती है, इसे वोबट बनाती हूँ मैं आज। वोबट के वास्ते ये एक नारियल का कम बना रही हूँ, सो मई आधा किलो ये गुड़, नीम का पत्ता, ये नीम का पत्ता, नीम गुड़ मिला को खाए तो जिंदगी में मिठास भी रहता और कसाला भी रहता। जिंदगी है ना, हिंदवा बोलती ये खाए तो अच्छा कर बोल को। ये उगादी में जिंदगी में उतार चढ़ाव रहता, सोचना कभी मिठास की कभी कसाला, मतलब जिंदगी तो रहती है। वो बोलने नहीं आ रहा मुझे, फिर भी मैं बोल रही हूँ। ये खाते सो आज नो तो आज मैं वबट बना रही हूँ, बनाने का शुरू करती हूँ। दाल चुपके एक जरूरी तुअर की दाल की बना रही हूँ। सो एक नारियल को, ये गिलास में एक गिलास तुअर की दाल डाल को देखो गलने रखी हो, ज्यादा नहीं गलाना, ये जरा एक हिसाब से गला लेना। दाल में भी बनाती मैं ये तुअर की दाल की बना रही हूँ। जो मैं पहले अभी बना को हूँ, मैं चने की दाल में भी बना को हूँ, अब ये तुअर की दाल की एक गिलास, छोटे गिलास में एक गिलास तुअर की दाल डालू। ये जरा 85% गला लेना, 60% 85 नहीं तो 60%, ये 60% दाल गलना, गले तो बस क्यों तो पीसना ना। वो बारीक ये खोपरा कट कर ले को पीस ले रही हूँ मैं, ये खोपरा ये भी बारीक क्या कट कर लेती हूँ, गुड़ भी तुमने दिखाती हूँ। ये तो बस है, बस देखो ये तो पक्को है, अब हमें ये पीस लेने बराबर आता। बचको ऐसा ये दाल के पानी में इसे जरा मसाला डाल को तुम्हें बघार डालो पानी, इसमें खाना चावल खा सकती। ये खोपरा और ये दाल पीस ले चु मैं इसे। ये गुड़ ये देखो आधा किलो गुड़ ले को थी से ऐसा ये फोड़ को हूँ, और ये कढ़ी चूल्हे पर रख ली पिघलने, गुड़ ये पीस को इसमें मिलाती हूँ। ये मैदा ले को हूँ आधा किलो मैदा, चुपिया एक जर्रा सॉल्ट डाल ले रही हूँ और जरी हल्दी डाल ले रही हूँ। अच्छा मिक्स कर को आटा कला लेती हूँ इसे, ओपटांग के वास्ते आटा। ये तरीके से बनाओ अच्छा रहता है, ज्यादा पतला भी नहीं मत बहुत हार्ड भी नहीं, डो आराम से अच्छा ऐसे रेडी कर लियो, बहुत नरम नहीं सर का, जरा नरम नरम रह दे, ऐसा नरम रहना हाथ को लग रहा है। देखो इसे क्या कर रही हूँ मैं, जरा घी, घी मतलब असली घी डाल रही हूँ सो मई नंदिनी का। ये एक 10 लाजे रेस्ट करें दे, ये जब तक आप पीस को मैं ये रेडी कर लेती हूँ हलवा। देखो ये तबारी खाया तो बस, इसमें दाल ये भी देखो, दाल पीस को ना, ये दाल भी इसमें डाल रही हूँ। अच्छा मिक्स करना, ये अच्छा मिक्स करना और अच्छा पकना। अच्छा मिक्स करके अच्छा पके दे, ये सब पतला होगा ना करको क्या सूचन होगा तुम्हें, इन्हें पक पक को फुल गाढ़ा हो जाता है। इलायची पाउडर 1 टीस्पून डाल रही हूँ। घी देखो असली घी है, इसमें पिघला के रखी समय ये 1 स्पून डाल रही हूँ, 1 टीस्पून से भी जरा बड़ा कुछ है नहीं, हमें कलर हल्दी गिल्दी क्या डाल को नहीं हूँ, घी में पका रही सो बिना तेल गिल क्या भी नहीं, बहुत अच्छा रहता है। बना सब बताती रख में ये वाली पकाती, अच्छा पकाना हलवा ये, जैसा हमें पूरी बनाती पूरियां का हलवा पका लेती ना वैसा अच्छा गाढ़ा होता है। जरा खुद मुंह बंद बंद करके रखती हूँ बड़ा को, तो कितना पतला था नी कैसा हुआ देखो हलवा इसका, बहुत अच्छे रहती है। इसमें अब जरा घी डालती हूँ देखो, अभी 1 स्पून पांच मिनट पकेंदे जरा अब जरा घटो दे, देखो बराबर है ये ठंडा हुए बाद बनाने का बताती हूँ। देखो ये हलवा ओबटांग का हलवा अच्छा है, ये बहुत अच्छा रहता है, ये इसका बनाओ ऐसा। अच्छा फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ, ठंडा होने जरा, ऐसा रेस्ट करने रखी थी इसे, अच्छा इसे गुन लेना ऐसा।
जरा तेल डालो, देखो तेल डाल डाल के भून लो। छोटे छोटे बॉल्स बना कर रख लियो ये आटा गुन को, फिलहाल पांच बनाई हो। जरा जरा आटा लेको, ऐसा कर लियो, कर लो को देखो, ऐसा देखो ऐसा बना लो। चार ही ये पूरे भी ऐसे बना लेती हूँ। प्लास्टिक की क्या तभी एक चीज में जरा तेल डाल लो, तेल डालो को देखो ऐसा, देखो ऐसा बना लियो। सब बना को दाल को और घी डालो, घी में बनाओ अच्छा रहता है। ऐसा एक साइड इतना पका लियो, फिर एक साइड इसे पलटा लियो। सब घी डाल लियो, घी डालने को आराम से जो बना कहीं वो बनाओ। देखो कैसा है, यह आको गुड़, नीम का पत्ता, बेवो बेल्ला, अच्छा है क्या? देखो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो, नए कौन तो भी देखते तो वीडियो सब्सक्राइब करो। बाद में ये सोचो का क्या इन मुसलमान हो को गैर खो मांगा बने कर को, ऐसा नहीं, सब भी हमें कर्नाटक में ही सो हर आदमी बनाता है ये, मतलब तो उनकी ईद की स्पेशल ये कर्नाटक स्पेशल रेसिपी ये आको वबट, कर्णा में होड़ के बोलती वबट बोलती सभी बोलती, ये आको बेव बेल्ला कर को बोल को खाते सो ये। हाँ नीम का पत्ता भी गुड़, देखो गुड़ नीम का पत्ता मिला को खाते सो, देखो ऐसा जिंदगी में उतार चढ़ाव आते चढ़ता, देखो कसाला भी रहता मतलब मीठा भी रहता, हमारी जिंदगी हम पूरे ऐसे नहीं क्या हिंसो। घी के साथ खाओ, देखो ऐसा बहुत टेस्ट है। लाइक और शेयर करो रेसिपी कैसी देखी कर्नाटक का स्पेशल रेसिपी, कमेंट्स करो, तुम्हारा कमेंट्स का इंतजार है मुझे, कमेंट्स करो। अच्छा दुआ में याद रखो, अल्लाह हाफिज़।